देहरादून के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडा लग रहा था, और दिन में जब मैं 11:30-12 के आसपास आई तो धूप लगी हुई थी। ये भी मिर्ची का है शायद, नहीं शिमला मिर्च, वाह। और ये नींबू, शायद नींबू है, अनार, अनार। देखो थक लग गई क्योंकि हमारा रूम 3rd मंजिल में है, हमें योगा वोगा करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सुबह से शाम इतने चक्कर लगते हैं। मेरी बहन अभी तक सो रखी है, 9:30 हो गई लेकिन उसकी नींद 10 बजे से पहले वो उठेगी नहीं। ये है मेरा पौधा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनीशा रांगड़ व्लॉग्स में। और अभी लगभग समय हो रहा है 8:30 और हालत कुछ ऐसी है क्योंकि आजकल क्लासेस दो बैच नहीं है मेरे, सुबह के मॉर्निंग में 7:30 से होता था, 1:30 से होता था, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब सीधा जाऊँगी मैं 10:30 की क्योंकि उसमें मैथ्स की क्लास चल रही है, तो अभी लंबा चलेगा प्रोसेस तो उस डायरेक्ट उस क्लास के लिए जाऊंगी। और 6:30 के आसपास उठ गए थे तो करना भी क्या था, वैसे ही टाइम पास हो रहा था अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। एंड अभी नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं बनाया है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है बनाना क्या है, तो अभी चलो देखते हैं। एंड सफाई वगैरह भी करनी है, निपट जाएगा थोड़ा बहुत काम। और अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बनाती हूँ, देखते हैं क्या बनाती हूँ। वैसे सोच तो कह रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाए, देखते हैं क्या बनता है। तो फिलहाल नाश्ते की तैयारी करते हैं एंड क्योंकि टाइम का पता भी नहीं चलता है, समय कब बीतता है फटाफट। 6:30 बजे उठ गए थे लेकिन 6:30 से 8:30 कब हो गई पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करी है, अभी थोड़ा बहुत ही करी, मन नहीं कर रहा था आज, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। चलिए फिलहाल तो नाश्ते की तैयारी करते हैं, फिर यहाँ थोड़ा सफाई सफाई करते हैं, फिर निकलते हैं अपने काम पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। दोस्तों थोड़ी देर सोचने के बाद कि नाश्ते में क्या बनाना है, मैं लेके आई हूँ मैक्रोनी के पैकेट और अब नाश्ते में यही बनाऊंगी। सब्जी खा खा के हम पक गए ना सेम। एक और कितना शोर कर रहा है दरवाज़ा। अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी। थक लग गई क्योंकि हमारा रूम 3rd मंजिल में है, आधा आधा कसरत हमारी ऊपर से नीचे आते हैं लग जा हो जाती है। हमें योगा वोगा करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सुबह से शाम इतने चक्कर लगते हैं, सीढ़ी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे 3rd मंजिल आते आते हालत ख़राब हो जाती है। चलो नाश्ता बनाते हैं मैक्रोनी। चलिए नाश्ता तो बन चुका है, नाश्ता मैंने बना दिया है, अब खाते हैं थोड़ी देर में, ठंडा हो जाएगा, ठंडा करके खाएंगे। और मौसम आज का ठंडा हो रखा है, थोड़ा गर्मी से रहा था क्योंकि कल शाम थोड़ा सा बारिश हुई थी, थोड़ा ही हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई, देहरादून में तो कमी हुई थी, लेकिन अभी जो मौसम है शांति मिल रही क्योंकि ठंडा लग रहा है और हवा भी चल रही है। हमारे आस पास तो जंगल है तो इस वजह से भी थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन मौसम आज काफ़ी अच्छा है। और नाश्ता बन गया है, चाय लगा रखी मैंने, वो कॉल्ड मैं बैंक घूम रही हूँ, रूबली नहीं
चलिए चाय भी बन गई है, तैयार होंगी पहले, उसके बाद करेंगे नाश्ता। मेरी बहन अभी तक सो रखी है, 9:30 हो गई, लेकिन उसकी नींद 10 बजे से पहले वो उठेगी नहीं, सीधा नाश्ता खाने के लिए उठेगी। खैर मज़े हैं इन लोगों के भी। मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, उसके बाद क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, 9:30 हो गई, 1 घंटा बचा हुआ, नाश्ता भी करना है उतने में, तो फटाफट तैयार होती हूँ, निकलते हैं नाश्ता करके। बाय, मिलते हैं। ओह गॉड, मैं कोचिंग से आ गई हूँ। सुबह पता मौसम कितना अच्छा था, हाँ ठंडा, और अभी धूप लग गई, बहुत ही ज़्यादा गंदा मौसम हो रहा है। धूप लगी हुई है ना इस वजह से, मेरी आवाज़ ठीक कर रहा है दरवाज़ा। आज क्लास में भी गर्म हो रहा था क्योंकि एसी ख़राब हो रहा था ना क्लास में। अब मैं लेके आई हूँ तरबूज, मट्ठा, दूध। तरबूज आजकल गर्मियों में गुड फॉर हेल्थ, पानी की कमी को पूरा करता है ये मट्ठा है। और ये मैं हमेशा बनाना सीख बनाती हूँ, इसके लिए लेके आई हूँ। गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा। ये है मेरा पौधा, इसमें नई पत्ती आ रही है। ये मेरी चुनियादी, और ये भी, देहरादून के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडा लग रहा था, और दिन में जब मैं 11:30-12 के आसपास आई तो धूप लगी हुई थी, उमस हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। अभी सेम जैसे सुबह मौसम था वैसे हो गया है, ठंडा अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं है उतनी। देहरादून के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं रूम पे अकेली थी, सोचा बोर हो रही थी तो वीडियो बना लेती हूँ। मेरी बहन गई है अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने, जाती हूँ कि मैं उसके साथ में बचा, फिर वो अपने दोस्त के साथ गई। एंड आज मैंने दिन में खाने में बनाया था आलू की खिचड़ी। जब ऋषिकेश जाती हूँ, घर जाती हूँ तो मम्मी बनाती है। काफ़ी टाइम बाद आज मैंने ऐसे दिमाग में आया आलू की खिचड़ी बनाती हूँ, तो आज आलू की खिचड़ी का आनंद लिया। और अभी मैं हूँ अपने रूम के बाहर ठंडी ठंडी हवा खाने, अंदर ही अंदर बोर हो रही थी, मैं बाहर घूम लेती हूँ। ये हमारे रूम के बाहर का व्यू, जहाँ हमारे मकान मालिक अंकल जी ने पेड़ पौधे उगा रखे हैं। ये है मिर्ची का, इसमें मिर्च लगी हुई थी, इसमें से 2-3 मिर्च मैं लेके गई। ये भी मिर्ची का है शायद, नहीं शिमला मिर्च, वाह ये तो मैं आज देख रही। ये शायद भिंडी, लेडी फिंगर, और ये बैंगन। हमारे अंकल जी को, मकान मालिक अंकल जी को बहुत शौक है इन सब का। ये है बीन, गांव में होती है जो। और ये नींबू, शायद नींबू है, नींबू का पेड़। पूरा बगीचा बना रहा है अंकल जी ने। ये है पौधे, नहीं तुलसी नहीं है, टमाटर। और ये है अनार, इसमें भी लगे हैं अनार, देखो छोटे छोटे अनार लगे हुए, बाकी पौधे हैं। तुलसी तो ये रही आज। ये ऊपर भी अंकल जी ने पूरा छत पेड़ पौधों से ही भरा हुआ, अच्छा लगता है ना हरा हरा। अरे एक पौधा तो मैंने भी लगा रखा अंदर अपने रूम पे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, बोर हो रही हूँ, सोचा वीडियो बना लेती हूँ।
बाकी बने रहिए हमारे व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय बाय।